बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ जहाँ से जमशेद। एक बार फिर से आप व्यूअर्स की कदर में एक अनबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आए हैं। आज हम एक गेमिंग कंट्रोलर को अनबॉक्स करेंगे। बहुत सारे लोग आजकल जो है पबजी खेल रहे हैं, तो जी हाँ, पबजी के लिए इस्तेमाल होते हैं गेमिंग कंट्रोलर। तो आइए आपको गेमिंग कंट्रोलर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि गेमिंग कंट्रोलर है, ये मैंने परचेज़ किया है 4000 का, और ये मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, और इसमें आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो 4000 की रेंज के अंदर ये गेमिंग कंट्रोलर मिलता है ना। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसका बॉक्स खोलते ही आपको मिलती है एक कैटलॉग, जिसमें इस गेम पैड की तमाम फंक्शंस की डिटेल मौजूद है, यूज़र मैनुअल है। आप इसको पढ़ के रीड करके इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मिलती है इसके साथ एक केबल, ये यूएसबी पोर्ट टाइप सी है, इसकी चार्जिंग केबल है। इसके अलावा इसके साथ एक माउंट मिलता है, ये मोबाइल माउंट करने के लिए है। यहाँ इसके माउंट हो जाएगा मोबाइल, और ये वाली साइड जो है वो गेमिंग पैड के ऊपर माउंट हो जाएगी। तो ये है वो गेमिंग पैड, आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे दो जॉयस्टिक मौजूद हैं, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है, एक तो रनिंग के लिए होती है और एक एमिंग के लिए होती है। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह हम प्ले करते हैं तो ये मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें भी ये चार बटन दिए हुए हैं, ये एनालॉग जॉयस्टिक दी हुई है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, स्विच में जॉयस्टिक और माउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जॉयस्टिक मोड एंड देन ऑफ, पावर्ड ऑफ हो गई है। और इस साइड पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे राइट बटन और ये राइट टॉगल कहलाता है नीचे, जिससे हम फायर वगैरह करते हैं। तो फोर बटन इसके टॉप पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट सी का चार्जिंग कनेक्टर है, जिसमें केबल लगेगी और इसकी बैटरी को चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, जिसमें एंड्रॉयड, ब्लूटूथ, गेमिंग पैड, और रेटिंग इसकी दी हुई है कि ये 4 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसके साथ साथ 32 mAh से ऑपरेट होता है ये। तो इसके अंदर बैटरी जो है वो बिल्ट इन इंस्टॉल है। तो व्यूवर्स, इस जॉय पैड को कम्प्लीटली तौर पे हमने अनबॉक्स कर दिया है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच मौजूद है। तो व्यूवर्स, इस स्विच को हम गेम पैड पे लगाएंगे। तो जैसे इसको हम गेम पैड पे लेकर आते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी गेम पैड है इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मींस डिवाइस इज़ रेडी टू कनेक्टेड। तो इसको अब हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस मोबाइल में इसको कनेक्ट कर रहे हैं वो इन्फिनिक्स 08 है। इसकी तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो सेंटर में होम बटन है इसको प्रेस करके रखना है। जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए, तो अब ये इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये अब डिवाइस को सर्च कर रही है जिसके साथ कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे ये TG पैड के नाम से आ रहा है, इसको पेयर कर देंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर फोन विल कनेक्ट डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट शेयरिंग को हमने अलाउ नहीं किया हुआ, इनपुट डिवाइस है ये। तो अब इस मोबाइल में कुछ गेम प्ले करेंगे। तो व्यूवर्स, आपने देखा कितनी आसानी से ये मोबाइल में कनेक्ट हो जाती है और कितनी स्मूथली ये गेम प्ले वगैरह करती है जॉयपैड। तो अब इसके ऊपर मोबाइल को माउंट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक माउंट क्लिप दिया है, इसको किस तरीके से जॉयपैड पे लगाना है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे दो होल्स दिए गए हैं, एक तरीके के लॉक हैं, और इस पैड का जो क्लिप है माउंट क्लिप, इसमें भी यहाँ पे दो पिन से दी हुई है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर बैठेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्लिप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से फिक्स होके माउंट हो गया है। और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये सही से माउंट हो जाए, वरना आपका मोबाइल गिर सकता है। और यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दी हुई है कि मोबाइल को आपने किस लेवल पर रखना है। तो मोबाइल को माउंट करते हैं इसके ऊपर। अब पहले मेक श्योर कर लेते हैं क्लिप सही लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने मेक श्योर कर लिया कि मेरा क्लिप बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो मोबाइल माउंट करने के लिए इसमें आसानी से इस तरीके से मोबाइल को माउंट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से ये जो ग्रिप है इसको हम टाइट करेंगे ताकि मोबाइल इस पोजीशन से आगे पीछे मूव ना करे। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के अनबॉक्सिंग की वीडियो व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ व्यूवर्स से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।